Welcome to Manav Chetna Vikas Kendra. We've been waiting a long time for this day. It's launch day. Here at MCVK, we are trying to understand humanity and practicing production. Sat is a brand we made as a byproduct for both of these activities. But before we dive into the website, let's first understand why Sat and why this website. Let's talk to Mr. Ajay Dayama, the founder of MCVK and the brains behind everything. सत क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं यहाँ पर रहते हैं, नौकर और व्यापार मुक्त है, और यहाँ पर सहअस्तित्व को समझते हुए आपस में मानव मानव के साथ रिश्ता समझते हैं तो नौकरी व्यापार खत्म हो गया, और मानव प्रकृति के साथ रिश्ते को समझते हैं तो उत्पादन विधि निकल के आती है जिसमें न्याय को सुनिश्चित करना है नियम पूर्वक धरती के साथ. तो यहाँ पर जितना भी शिक्षा का कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग उत्पादन प्रक्रिया और विनिमय प्रक्रिया को भी सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं. तो ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है कि यहाँ पे हम बहुत सारा उत्पादन कर पाते हैं. तो सत क्या है, एक सत्व पूर्वक जीने के लिए जो अभ्यास हम कर रहे हैं, जो सत्य है, मतलब चारों अवस्थाओं को जीने देकर जीते हुए उत्पादन जो कर रहे हैं उसका जो निकला हुआ प्रोडक्ट है उसका नाम है सत. तो इट इज नॉट ए कंपनी एनीवेज, ये किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन उत्पादन है हमारी जरूरत के लिए करते हैं. तो करीब करीब अभी तो 85 तरह के प्रोडक्ट है, आने वाले समय में हम ज्यादा हो जाएंगे. जितने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं उतने प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं हमारे. अब ये जो सत है ये इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम अपना उत्पादन कर पाए, लोगों के साथ विनिमय कर पाए, तो लोगों को क्या मिलेगा. बिना व्यापार किए लोगों का किचन शुद्ध हो जाए, वो कौन से लोग हैं जो यहाँ से बाहर रहते हैं, वो हमारे संबंधी होंगे. तो ये सोचा जा रहा है कि 100 परिवार यदि यहाँ रहते हैं तो 1000 परिवारों को हम किचन उनका शुद्ध करेंगे, तो उससे हमारा भी काम चलेगा, विनिमय पूर्वक काम चलेगा. तो इसके लिए सत एक नाम है जो आपको जोड़ता है. सत वेबसाइट क्यों और क्या है. वेबसाइट तो आप सभी जानते हैं, एक टूल है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है. क्योंकि व्यापार नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब 100 परिवार होंगे तो हम 1000 परिवारों को कनेक्ट कर पाए और उनका किचन हमारे प्रोडक्शन से शुद्ध हो जाए. कैसे उनको जहर मुक्त और टोपी मुक्त प्रोडक्ट मिल सके, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये टूल को यूज कर रहे हैं. तो उद्देश्य इतना ही है कि हम 100 परिवार शहर के 1000 परिवारों का आहार में है ना उत्पादन पूर्वक उनका किचन शुद्ध करें, उनका स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें. उसलिए एग्जिस्टिंग टूल को हम यूज कर रहे हैं. तो बिल्कुल भी ये व्यापारिक मॉडल नहीं है, ऐसा मुझे तो स्पष्ट है, हमारी टीम को भी स्पष्ट ही हो ही रहा है. तो किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं है, क्योंकि व्यापार का मतलब होता है लाभ हानि. यहाँ पर लाभ हानि का कोई चक्कर नहीं है, है ना, उसको अच्छे से समझ सकते हैं. तो इस टूल के माध्यम से करीब करीब 1000 परिवार इंदौर में निश्चित अपना आवश्यकता को कर पाएंगे, हमें बता पाएंगे, हमारी टीम उसको उनको उपलब्ध करा पाएगी, उनका भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा. क्योंकि हम लोग दो माध्यम से जुड़ते हैं, एक है शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से पूरे ग्लोब से कनेक्ट होना है, और एक उत्पादन उत्पादित वस्तुओं के माध्यम से लोकल लेवल पर कनेक्ट होना है, एक क्षेत्र तक कनेक्ट होना है, और आपस में ठीक से उपयोगिता के आधार पर, श्रम के आधार पर, सही दाम के आधार पर वस्तु को लेन देन कर सके, उसके लिए एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है. मुझे लगता है अच्छे ही काम से होने वाला है. तो आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर द होल टीम. थैंक यू. Now that we've answered the most important questions, let's take a look at the website, finally. So here is the homepage of our website. And let's go down and look. All our products are divided in three verticals. We have some lifestyle products, which is all the things hair care, skin care, and also home care. Then we have some nutriment products. It involves all the food products like your pickles, your bakery products, your granary, your cooking oil, everything like that. Then we have wellness.
Wellness is all the medicinal and something you can add to your lifestyle. Things like sanskarit haldi, sarvjwarhar. Many of you people must be aware of this star product. Let's go down and look more. We'll go back to the verticals in a second. Let's look at the first page first. Over here at Discover Now, you will see all the new products joining our family. Then we have some testimonials where we will publish everything good our patrons are going to say about us. And here are some of the favorite and star products that we find. And here is a page welcoming you to visit us, because of course you need to see more in order to understand more. Let's go to shop now. Here we have all the products laid out right in front of you. If you don't want to go to different categories and check out lifestyle, nutriment and wellness categorically, you can see all the products laid out here on the same page. You load more and you find more products. To know more about each product, you can open the product here and see the page. We have some description right here, and then ingredients and additional information right over here. You can add a review for us, and then if you want to buy it later, you can add it to wish list. If you just want to buy it immediately, you can just add it to cart. There you go. Now, if you want to shop with categories, you can either click here, or if you want to shop even further in subcategories, this is where you will find some extra categories laid out for you. So in lifestyle, we have skincare, hair care, and some byproducts from the Gaushala. In nutriment, we have bakery, candies, snacks, dairy, spices, granary, squashes, pickles, and condiments. And in bakery, we also have further categories. And in wellness, we have ERKS and supplements. ERKS is hydrosols. Let's take a look at bakery, for example. Here you have all the baked goods. And if you would like, you can go deeper and look at just the page for muffins and shop away. We also have a lookbook. And here you'll find some pages that we've laid out for you, additional information about specific products, and also extra visuals. Here we have our palm size spa. This is our Multani Mitti clay mask. And here are some pictures for you. You can check out the other lookbooks, and also we have an extra feature here. It's called stories. So we wanted you to know a little bit more behind the scenes and what goes on behind the products when we are either making them or using them, because that's always fun. Let's check out the story for Brahmi Bhringadi Tailam. And here is the story, and you can read this. I do not want to read it for you because I want to reserve that pleasure for you. And here you go. You can check out other stories and lookbooks. And now let us go to About Us. Here we have Bhavi drinking a cup of milk. And here you learn about our story of prosperity. You can read about it here. And here are our core values for Sat, and then the key people who are involved in branding and working for the brand. There it is.
You can sign up now and check more things out. That's the Sat website. The quality of products depends on the quality of the person producing. Now that you've seen the website, let's go behind the scenes and meet some of our producers. We'll meet Abhay Mamaji first of all. He's an agricultural scientist and he makes hydrosols for us. नमस्कार सभी को। ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के अर्क का बोतल यहाँ रखा हुआ है और जो मदावाना चेतना विकास केंद्र के डिस्टिलेशन यूनिट में इसको हमने बनाया है। और इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी तरह के अर्क हैं ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हैं और कुछ अर्क ऐसे हैं जो किसी रोग विशेष के लिए उपचार के उद्देश्य से इसको हमने बनाया है। बनाने के लिए डिस्टिलेशन यूनिट में जितनी भी सावधानी रखनी होती है, जो भी हमको लगता है कि औषधि बनाने के लिए आवश्यक है, उस सबको हम बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी हमारे पूरे संस्थान में उपलब्ध ही रहता है। मुख्य मुद्दा ये है कि हम उसको पहचान सकें और पहचान के उसका उपयोग कर सकें। तो जैसा मैं बता रहा था कि सारे अर्क बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा उत्पाद हो, हमारे शरीर के स्वस्थता के लिए काम आए, हमारे सारे परिवार के लिए काम आए। और इसके साथ एक बड़ा उद्देश्य भी जुड़ा है कि एक उत्पादक हो के हम जी सकें। तो मुझे लगता है कि हर परिवार, पूरे धरती के सारे परिवार उत्पादक होकर जी सकते हैं। तो उत्पादक होना अपने आप में खुशहाली है और ऐसे विभिन्न उत्पादों के साथ हम जब परिवार में अपने समृद्धि के लिए काम करते हैं तो एक सारे उत्पादकों का हम विनिमय कर पाते हैं। और ऐसे उत्पाद जो हम अपने लिए बनाते हैं तो उसकी गुणवत्ता को इंश्योर भी कर पाते हैं। तो शोषण रहित जिंदगी हम सभी जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई मेरा शोषण करें, मैं किसी का शोषण करूं। तो एक उत्पादक होना ही एक ऐसा रास्ता है, प्योर रास्ता है, जिसमें हम धरती का भी शोषण नहीं करते हैं और जो हमको उत्पाद बन रहा है इस जब हम किसी परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराते हैं तो उसका भी शोषण नहीं करते। हम यहाँ सारे परिवार मिलकर अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और अपने परिवारों के लिए उपलब्ध कराते हैं और बहुत से परिवार चाहते हैं कि हमें मिले तो हम उनके लिए भी उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे उत्पाद को आपको उपयोग करना चाहिए और धीरे धीरे हम तो ये भी चाहते हैं कि ऐसे उत्पाद को आप स्वयं बनाएं, आप भी प्रोड्यूसर बने। ऐसा भी हम एक एजुकेशन चाहते हैं पूरे समाज के लिए और आपके लिए भी कि आप भी एक प्रोड्यूसर होके जिए, ना कि शोषक होके। तो अभी हमने बात की हमारे डिस्टिलेशन यूनिट में बनने वाले डिफरेंट अर्क की। अब इस बात को ही पूरा करते हैं और चलते हैं सौम्या बेटा जी के पास। That was Abhay Mamaji. Now let's go to the fields and talk to Sadhana Didi about agriculture practices in MCV care. Hi. तो जैसे कि सौम्या ने आप लोगों को बताया होगा खेती के बारे में, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो जगह है इसमें टोटली ये 15 एकड़ का जगह है। अब इसमें अपन दो प्रकार की चीजें उगाते हैं। तो एक तो जैसे कि गौशाला है हमारे पास, तो उसमें गाय के लिए चारा है, वो पूरी तरीके से नेचुरल है, प्राकृतिक है। और एक दूसरा 1 एकड़ से भी कम हिस्से में हम लोगों की ज़रूरत के लिए और कुछ हमारी बहन जाती है उसके थ्रू जो परिवार हमसे जुड़े हैं उनके लिए हम कुछ एक प्राकृतिक रूप से सब्जी उगाते रहते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो चीज़ें हम प्रोवाइड करा पाते हैं, जो प्रोडक्ट्स, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होती है ना कि यहाँ पे 11 साल से खेती हो रही है और उस 11 साल के दौरान में एक भी बार यहाँ पे कोई केमिकल या यूज़ हम लोगों ने नहीं किया है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया गौशाला है। अब गौशाला से क्या होता है कि हम लोगों को गोबर खाद मिल जाती है, गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र। तो वो कुल मिला के एक गड्ढा रहता है, उसमें अपन स्लरी तैयार करते हैं। अब वो स्लरी जो होता है वो पाइपलाइंस के थ्रू आगे ये पूरे जो सब्जी का, चारे का जो भी एरिया आप लोग पीछे देख ही सकते हैं उसमें वो पूरा स्लरी के फॉर्म में आके रहता है। अब उसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि इसमें कुछ पेस्ट लग जाते हैं हम जो खेती करते हैं उसमें, सब्जियों में ज़्यादातर। तो वहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते। उसमें भी अपन ये कोशिश करते हैं कि कुछ नेचुरल कैसे मिल जाए। तो कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है स्मेल में, है ना, या कुछ टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उन चीज़ों को हम पहचानते हैं। जैसे कि नीम हो गया, गंधेला हो गया,
ललटाना हो गया, इन चीज़ों का, उसका एक काढ़ा बना के अपन उसमें स्प्रे करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को हम एक क्वालिटी एश्योरेंस दे सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे खेती करते हैं, तो उसकी एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे हम नौकर मालिक मुक्त तरीके से खेती करते हैं। आपने भी कभी खेती करके देखा ही होगा। तो जैसे कि अपन यहाँ पे मैदान में उतरे खेती करने के लिए, तो वहाँ पे एक आदमी का तो काम नहीं होता है, ये बात तो आपको भी पता है। फिर अपन अपने पास में एक ऑप्शन क्या होता है कि आपने नौकर लगा लिया। लेकिन यहाँ पे जो विकल्प के रूप में अपन खेती कर रहे हैं, एक ऑप्शन है, एक अल्टरनेटिव है आप लोगों के लिए भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, परिवार विधि से, फैमिली बेस्ड हमारा एक मॉडल है यहाँ पे। अब उसमें अपन क्या करते हैं, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं एज ए सिंगल बिग फैमिली। तो वहाँ पे अपने को ये समझ में आया कि जब अपन अपनी नीड असेस कर रहे हैं, ज़रूरतों को पहचान रहे हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें निकल के आ रही है, जो हमारे प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, है ना, ये सारी चीज़ों का जब आप प्रोडक्शन करने के लिए उतरते, तो आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं कर सकते। तो उसका ऑप्शन यहाँ पे हमको मिला कि आप एक परिवार विधि से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 80-100 लोग हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो एक तो हमारी ज़रूरत की पूर्ति हो जाती है, प्लस उसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे कि आप जैसे लोग हम लोगों से जुड़ते हैं ना, इंटरनेट के थ्रू जुड़ते हैं, शिविर के थ्रू जुड़ते हैं, या कुछ हमारी एक मूविंग शॉप है, हमारी वैन जाती है सद की, उसके थ्रू आप लोग जैसे कि अगर हमसे जुड़ रहे हैं, तो एक तो जैसे कि जिस प्रोसेस से हमारा किचन जहर मुक्त हो रहा है, उसी प्रोसेस से आपका किचन भी जहर मुक्त हो सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी खेती की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। बैक टू सौम्या। एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है गौशाला, तो वहां जाके बात करते हैं रुद्र भैया से। नमस्ते, इस गौशाला में आपका स्वागत है। ये जो पूरा गौशाला है, ये पूरा फैमिली मॉडल पे बेस्ड है। इसमें हम लोग कोई लेबर इन्वॉल्व नहीं करते। तो जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, जैसे एक्टिविटीज़ क्या क्या है, तो मिल्किंग है, क्लीनिंग है, फीडिंग है, मेडिकल का जो भी काम है, ये सारे हम लोग ही करते हैं। तो इसमें कौन लोग परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग के जो फैमिली मेम्बर्स है, जिसमें छोटे बच्चे, भाई बहन, चाचा चाची, ऐसे सारे लोग मिलकर हम लोग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या है, तो जो भी प्रोड्यूस है उसमें क्या क्वालिटीज़ में डिफेक्ट आ रहा है, क्या क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना है, इस पर हमारा पूरा ध्यान जाता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। उसके बाद जो है, हम लोग यहाँ पे एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट को बना के रखते हैं, ताकि जो भी नए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर प्रोडक्शन मेंटेलिटी को डेवलप किया जाए, कैसे रिस्पॉन्सिबल होए वो आगे, उसके लिए काम किया जाए। इसमें हम लोग ट्रेनिज को भी इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि वो भी सीखे और उनका भी प्रोडक्शन मेंटेलिटी आए उनमें, और वो भी कुछ ऐसा प्रोडक्शन को स्टार्ट करें। तो गाय को जो भी हम लोग फीड देते हैं, जिसमें चारा और बाटा मेन चीज़ है, वो हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और वो भी ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से करते हैं, जिसमें कोई भी इनऑर्गेनिक चीज़ या फिर गाय को, गाय के स्वास्थ्य के लिए जो लाभवर्धक नहीं है, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते, जिससे कि वो प्रोड्यूस में भी ना आए अपने, जैसे कि जो भी मिल्क है, पनीर है, घी है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोडक्शन को इधर बना के रखते हैं। और तो गाय का जो भी फीड रहता है, फीड में क्या है, तो बाटा और चारा ये मेनली गाय का फीड रहता है, वो हम लोग खुद यहाँ पे जो हमारा लैंड है, इसमें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या जाता है लैंड में, तो जो गौशाला का गौमूत्र और खाद है, उसी से हम लोग पूरा स्प्रेइंग और जो मैन्यूअर रहता है वो बनाते हैं, जो कि खेत का क्वालिटी को और मिट्टी को बहुत इंप्रूव करता है, जिससे कि अच्छे अच्छे कंटेंट और भी चारा और बाटा में आते हैं, जो वापस गाय को मिलते हैं, गाय के दूध में मिलते हैं, और वापस वो आदमी को मिलते हैं। तो इस तरीके से पूरी ह्यूमन टू खेत, खेत टू गौशाला, ये पूरा साइक्लिसिटी एक बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारा प्रोड्यूस का जो क्वालिटी है वो हाई लेवल का है। इस तरीके से हम लोग पूरा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, गौशाला, खेती और बेकरी, ये सारे जो चीज़ें हैं, इस तरीके से लिंक्ड है। इसमें हमारे पास 5 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें पहला जो A2 टाइप का मिल्क है, पनीर है, घी है, गौमूत्र अर्क है, और गोबर के कंडे हैं। इस तरीके से हमारा, हम लोग गौशाला को मेंटेन किए हुए हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती है। तो ये है हमारी गौशाला। बैक टू सौम्या दीदी। So after looking at the family atmosphere in Gaushala, now let's take a look at the soap workshop and talk to Shruti Didi. Hi, I'm Shruti. We are in Soap Studio right now. हम लोग यहाँ पर bath and body products बनाते हैं, including cold process soaps,
हेयर वॉश पाउडर, क्ले मास्क, क्लिप बम्स. सो जितने भी रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, या तो वो हमारे फार्म का ही होता है, या तो हम लोग काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स से ऑर्गेनिक नेचुरल रॉ मटेरियल्स लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ आयुर्वेदिक को वॉश. इसमें हम लोग रीठा शिका का ही और बाकी जो हेयर के लिए जितने भी अच्छे हर्ब्स हैं हम लोग वो डालते हैं. सो दिस इज एन आयुर्वेदिक रेसिपी. सो इसको रात में आपको सोक करना होता है वाटर में और नेक्स्ट डे यू कैन यूज इट. यू कैन ऑल्सो यूज इट विद एप्पल साइडर विनेगर बिकॉज दैट इज रियली गुड फॉर योर हेयर. क्ले मास्क में मुल्तानी मिट्टी का बेस है. इसमें हम लोग करीब 10 डिफरेंट तरह के और भी हर्ब्स डालते हैं जो काफ़ी स्किन के लिए अच्छे हैं. दिस इज लाइक मास्क प्लस स्क्रब. सो दिस इज़ वेरी गुड. एंड लिप बाम में हम लोग असेंशियल ऑयल्स का, लाइक प्योर असेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड्स मिलाते हैं, विच इज लाइक लिप बाम इज वेरी गुड फॉर हीलिंग. और ओवर नाइट आप लगा के रख सकते हैं. और वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छे ऑयल्स हैं इसमें. एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द सोप्स. सो वी मेक ऑयल बेस्ड सोप्स. ऑयल बेस्ड सोप्स बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हम लोग 70% एडिबल ऑयल्स यूज़ करते हैं. जो कमर्शियल सोप्स होते हैं उसमें मोस्टली सोप नूडल्स नाम की एक चीज़ होती है जो ऑलरेडी मेड सोप का एक बेस होता है जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स बाय इट एंड अपने अपने ब्रांड के हिसाब से कलर्स, फ्रेग्रेंस जो भी है वो डाल के लोग बनाते हैं. सो प्रिटी मच इट इज़ द सेम बेस. सो वी क्रिएट आर ओन बेस जिसमें हम लोग अलग अलग ऑयल्स के ब्लेंड यूज़ करते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल केरला से भी हम लोग मंगवाते हैं, कोकोआ बटर, कैस्टर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल. जो अदर्स 30% है उसमें हम लोग एडिटिव्स यूज़ करते हैं जो कि हम लोग के खेत से ही मिलते हैं, जैसे ग्राम फ्लायर है, टर्मरिक है. मिल्क एंड रोज सोप में वी यूज़ 30% प्योर गिर काउ मिल्क विच इज़ अलॉट. सो दिस इज़ अ कोल्ड प्रोसेस सोप. इट मीन्स कि हम लोग जब प्रोसेस चल रही होती है सोप मेकिंग की तब हम लोग एक्सटर्नल हीट नहीं देते हैं, तो वो नेचुरली सपोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसके लिए हम लोग 30 days के लिए उसको क्योर करते हैं. क्योरिंग मीन्स हम लोग उसको 30 days के लिए एक एरी, लाइक जहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा है वहाँ पर हम लोग उसको रखते हैं ताकि उसका अपने आप में सपोनिफिकेशन की प्रोसेस पूरी हो पाए. सो 30 days बाद वी पैकेज इट एंड हम लोग आपकी वैन्स तक, अलग अलग स्टोर्स तक लेके आते हैं. सो जितनी भी प्रोसेस है वी ऑल डू इट, लाइक खेत में चीज़ें रॉ मटेरियल्स उगाने से लेके चीज़ें प्रोसेस करने से लेके उसको पैकेज ब्रांड करने से लेके आप तक पहुँचाने तक. सो ट्राई आर सोप्स एंड अदर बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स. एज यू ऑल नो दिस इज अ फैमिली बेस्ड मॉडल. सो यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है ये हम लोग हमारी फैमिलीज के लिए और फैमिलीज के साथ करते हैं विच इज़ लॉट ऑफ फन. और ये जितना भी प्रोसेस है ये बच्चों के एजुकेशन का पार्ट भी है यहाँ पर. एंड आई लव क्रिएटिंग, हेंस आई लव बीइंग अ प्रोड्यूसर. ओवर टू सौमेंती. Going to the soap workshop now. Let's go to the bakery and see what's happening there. Let's talk to Sakshi Didi. Hi, मेरा नाम साक्षी है. आइए, ये सब बेकरी है और यहाँ पे हम काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रेड है, गार्लिक नट्स हैं, मफिन्स हैं, कुकीज़ हैं, ब्राउनीज़ हैं और भी कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बनाते हैं. तो ये सारा जो भी कुछ हम लोग बना रहे हैं ये 100% होल व्हीट से बना रहे हैं. तो पहले जो था हम लोग जो थे वो पूरे कंज्यूमर थे, अभी हम लोग जो है ना प्रोड्यूसर हो गए. तो जैसे प्रोड्यूसर हुए तो प्रोड्यूसर मतलब सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे चीज़ों की, एंड टू एंड. मतलब पहले हम जब कंज्यूमर थे तो हमको पता नहीं था कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे प्रोसेस हो रही हैं. अब जब प्रोड्यूसर हो गए तो हमको पता है कि रॉ मटेरियल कैसे उग रहा है ना, उसको कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, कैसे एंड प्रोडक्ट तक पहुँचाया जा रहा है. तो बिना उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हम लोग अपनी ज़रूरत का सारा सामान बनाते हैं और अपने से जुड़े सारे लोगों के लिए ये सामान बनाते हैं. तो क्वालिटी तो दो तरीके से हो गई है ना. एक तो हम कोई भी चीज़ जो ले रहे हैं वो नेचर से ले रहे हैं, तो नेचर के साथ हम कैसे कोई सामान ले सकते हैं कि उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग
अपनी ज़रूरत का सारा सामान निकालें, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम आदमी के साथ भी रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रेड ही बनी है, तो ये ब्रेड में पहले कहीं किसी ने गेहूं उगाया है ना, फिर उसको थ्रेशिंग किया, उसका छिलका निकाला, फिर उसका स्टोरेज किया, उसका आटा बनाया है ना, फिर ये जाके यहाँ तक मेरे पास गेहूँ पहुँचा और मैंने उसको प्रोसेस किया। तो इस चेन में पीछे कई सारे और लोग भी हैं, तो कैसे हम लोग इन लोगों के साथ भी सही तरीके से निभ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कोई नौकर नहीं है, है ना, हम लोग किसी का शोषण नहीं कर रहे, यहाँ पे एक परिवार की तरह एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग कैसे एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एजुकेशन है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या है, एजुकेट करना कि आप अपनी सारी ज़रूरत का सामान धरती से ले सकते हो और अकेले नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उनके साथ एक रिलेशन के साथ निभना आना चाहिए। तो वो रिलेशनशिप के साथ अगर आप निभते हो तो साथ मिलके अपनी ज़रूरत का सामान, अपने परिवार की ज़रूरत का सामान, एक समाज की ज़रूरत का सामान आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सिर्फ ब्रेड नहीं, यहाँ पे 80 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ ही एजुकेट करते हैं लोगों को। यहाँ पे कई लोग विज़िट करने आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि यहाँ पे जो बातें मैं कह रही हूँ उसको हम लोग जी रहे हैं, आप आके उसको वेरीफाई करा सकते हो, देख सकते हो, है ना। तो कई लोग आते हैं। और एक और एजुकेशन प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है कि आप अपने बर्थडेज में भी यहाँ पे आ सकते हो एंड यू कैन कुक विद अस, ठीक है ना। आप यहाँ आओ, आपके साथ रेसिपी शेयर की जाएगी कि हम लोग सच में 100% होल व्हीट प्योरेस्ट फॉर्म बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए उसकी क्वालिटी के साथ कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। आप खुद आके हमारे साथ बना सकते हो, अपने घर ले जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो। आपको ऐसा जीना ठीक लगता है तो हमारे साथ जी भी सकते हो। सो दिस इज़ MCVK सद बेकरी एंड बैक टू सौम्या दीदी। So you have met a few of our producers, और बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे ही, कैसे हम मार्केट फ्री वर्ल्ड की तरफ जाएं, कैसे हम प्रोड्यूसर मेंटालिटी की तरफ जाएं, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए हम चलते हैं ऑडिटोरियम में उत्सवन में फॉर एन इंटरव्यू सेशन।